गाइस एक बार फिर से एक न्यू वीडियो में सब लोगों का वेलकम है। एंड आज हम देखने वाले नारुतो को भाई काफी ज्यादा तगड़ा उसने जुसु यूज करना सीख लिया है, जो कि टैगपोल मतलब मेंढक को समन करना है, जो कि उसने रेड वाले चक्र वो नाइन टेल फॉक्स से लिया। भाई काफी ज्यादा तगड़ा सीन था वो। अब उसके आगे देखने को मिलने वाला है क्या होगा, क्या करेगा। एंड हाँ, उसको ठरकी बाबा से क्या क्या और ज्ञान मिलते हैं, लेट्स सी, साथ में देखते हैं, मजे करते हैं। एंड वीडियो पूरी देखना अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करके जाना, अपने एनिमे लवर दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, उनको बोल सकते हो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए। बाकी बढ़ते हैं वीडियो में, लेट्स गो। कॉफी ज्यादा पड़ा, मैं कहाँ आ गया। एंड इसकी भी जीभ में मोतियां लगी यार, बड़ी बड़ी मेंढक के, पता नहीं कैसा जीभ है। मैं नहीं बच पाऊंगा। बच गया नारुतो, क्या बात है, ये तो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है भाई। एक मिनट पास जाकर देखता हूँ। जहाँ एक टेंटपोल हो रहा था वहाँ इतना जॉइंट, मतलब पहाड़ जितना बड़ा मेंढक। ये पैर है, ये तो एक टोड है। टोड है, है ना? यस, कपड़े भी पहन रखे हैं यार मेंढक ने। यहाँ चेक करता हूँ, पूछ तो नहीं इसकी, इसकी तो कोई पूछ भी नहीं है, नहीं है। यानी ये मेंढक है पूरा। मैंने ना इसे समन किया ना ही इसे, बल्कि ये तो एक असली मेंढक है। He flies, he jumps, he lurks. Chief Toad appears. Chief Toad. लगता है इस बार उसने नाइन टेल्ड फॉक्स का चक्र अपने आप ही रिलीज कर लिया है। ओए, बहुत ज्यादा बड़ा है भाई, नीचे से इतने नीचे से इतना बड़ा दिख रहा था, सोचो कितना बड़ा होगा। चक्र की पावर का ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया, कमाल है, इसने इसे यहाँ बुला लिया। फाइनली मैंने तुम्हारी, मेंढक को उसने बुलाया लेकिन मेंढक खुश नहीं है। तुम शायद जानते नहीं, मैं हूँ बुद्धिमान और शक्तिशाली लॉर्ड गामा पुंटा। गामा पुंटा, तुम एक बेवकूफ हो, जाओ हमेशा के लिए। उसने समन किया बट वो मेंढक उसको भगा रहा है, उसकी शिकार को पकड़ ली। बॉय कितना छोटा है, नारुतो उसके सामने। अरे कम से कम मेरी बात सुनो। मैं अभी ताजी ताजी हवा में आराम कर रहा था और फिर ये अजीब सा लड़का मेरे सर पर नाचने लगा। जिराया, कहाँ हो तुम जिराया? जिराया, और तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? ये तो बहुत ही खराब मूड में है। चुप रहा है। गामा बंटा को तो मैं तक संभाल नहीं पाता हूँ, वो हमेशा मुझसे चिढ़ा रहता है। जिराया, सामने आओ मंदबुद्धि वाले। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे छोड़ने नहीं वाला। भाग रहा है। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से खिसक। भाग रहा है। बेवकूफ लड़के। जी कहिए। जिराया कहाँ छुपा हुआ है? कौन जिराया? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। होशियारी मत करो, मैं उस बेशरम के बारे में पूछ रहा हूँ जो खुद को टोड सेज कहता है। बताओ कहाँ है वो? ये तो बहुत ही डरावना है। देखो मैं तुम्हें एक ऑर्डर दे रहा हूँ, और अगर तुमने इसे फॉलो किया तो तुम मेरे शागिर्द बन सकते हो, तो जल्दी से जवाब दो। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर आप उस छिछोरे बाबा को ढूंढ रहे हैं तो वो आपको ऊपर खाई के किनारे पर मिलेंगे। चीफ टोड, चीफ टोड। ऊपर? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ सर? टोड टोड पूछ रहा है, उस छिछोरे बाबा से आपका क्या लेना देना है? मुझे भी उस छिछोरे से यही सवाल पूछना है लड़के। आखिर वो बेवकूफ मुझसे चाहता क्या है? उसने मुझे समन किया, वो भी इस खाई के बीचों बीच। पर बको, समन तो नारुतो ने किया। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ आपको मैंने समन किया है, वो मैं खाई से नीचे गिर रहा था तो मुझे लगा कि आप ही मुझे बचा पाएंगे, तो थैंक्स बॉस। इसको विश्वास नहीं हो रहा कि ये समन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर नारुतो ने ही समन किया है। अच्छा मजाक है, तुम समनिंग के बारे में क्या जानते हो?
तुम्हारे जैसे टिड्डे में इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझ जैसे महान टोड को समन कर सके। हाँ? नहीं नहीं, ये सच है, ये सच है, मैंने ही आपको यहाँ समन किया है, सच्ची। मानने को रेडी नहीं है मेंढक। रूटो को गुस्सा आ रहा है। जो ढंग से भी खड़ा नहीं हो पा रहा वो लॉर्ड गामा बुंटा यानी चीफ टोड से कह रहा गामा है कि वो मेरा मास्टर है। यस, ये जीप यार, इसकी जीप बड़ी गंदी सी है यार। एक ही जंप में ऊपर। अभी उसकी गांड दिख रही थी नीचे से, बस छेद दिख ना पा रही। नरेटर की तो हालत खराब कर दी, लेकिन बहुत ज्यादा। अरे वाह, कपड़े उपड़े सब उड़ गए। पुंटा की मदद से खाई से बाहर आ ही गया। लड़कियों के पर दिखा नहीं यार कुछ भी। फीलिंग सैड। ये तो कमाल का था। मुझे तुम्हें बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा लड़के, पर अगर मैं एक बार को ये मान भी लूं कि तुमने मुझे समन किया, और यकीन मानो इसके चांसेस बहुत कम है, तो भी मैं ऐसे इंसान को अपना मास्टर बनने नहीं दूंगा जो मेरी पीठ पर टिक भी नहीं पाया, समझे तुम? सुनो, मैं इतने वक्त के बाद यहाँ फिर से वापस आया हूँ, तो अगर जिराया को मेरी जरूरत नहीं तो मैं जा रहा हूँ। नहीं, रुको। सुनो, तुम जाओ और अपने गुड्डा गुड्डी के साथ। गुड्डा गुड्डी के साथ असिस्टेंट बनने के लायक भी नहीं हो। कह रहा जाओ अपने गुड्डा गुड्डी के साथ, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा नारुतो ने उसको समन किया। ओए, कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं, इसको गुस्सा आ रहा है, गुस्से में कुछ तो कर देगा। उसके ऊपर चढ़ गया मेंढक के ऊपर वापस से, और ये ले। तुम वापस क्यों आए? अब क्या काम है? ठीक है, अगर तुम्हारी पीठ पर टिके रहने से ही तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगे तो फिर मैं आज पूरा दिन तुम्हारी पीठ पर बैठा रहूंगा, और कुछ भी हो जाए मैं हिलूंगा नहीं। क्या? सही सुना, ऐसा करने से मुझे अपना मास्टर मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, समझे? तुम सच में बेवकूफ हो, तुम्हें यही चाहिए तो यही सही, पर ये मत सोचना मैं कुछ नहीं करूँगा। नारुतो नहीं छोड़ने वाला भाई, उसको अब नहीं छोड़ने वाला, वो फंस गया नारुतो के साथ। अब मुश्किल है। सॉरी नारुतो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, पर यहाँ मेरी रिसर्च के काम ने मुझे बिजी कर दिया है। ऊपर से झांक रहा है। यार वो लड़कियां देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन थोड़ा सा ही दिखाते हैं यार, थोड़ा देर आया करो यार। लेकिन अब तो हो चुका है जो हो चुका है, लेकिन थोड़ा देर तक दिखाना चाहिए यार, इंटरेस्ट जागते ही खत्म हो जाता है, मतलब कि एक सेकंड में क्या ही होता है। मतलब आने वाले चुनिन एग्जाम में हिस्सा लो, पर तुम्हारी चुनिन एग्जाम में जाने की वजह असल में कुछ और ही होगी। क्या? इस मौके का फायदा उठाकर हम हिडन लीफ विलेज को तबाह कर देंगे। लेकिन क्यों? हम लीफ विलेज पर हमला क्यों कर रहे हैं? हमने तो उनका साथ देने के लिए ट्रीटी साइन की थी। लेकिन नारुतो के पास करने को बहुत है, यहाँ मेंढक के ऊपर उसको टिके रहना है। ओ, मेंढक गया पानी के अंदर और ये आ गया बाहर, तैर रहा है मेंढक। नहीं, फिर डूब गया। ये लड़का तो सही में चिपकू है। अब क्या करेगा ये उससे पीछा छुड़ाने के लिए नारुतो से? ओ, पानी में अंदर बाहर कर रहा है ताकि उसको गिरा सके बाहर। वो समनिंग जुट्सू से गामा बुंटा को यहाँ पर ले आया। ओ, देखो उसे, वो रेनबो कितना सुंदर है। हाँ, बहुत प्यारा है। हाँ,
हाँ सही कहा प्यारी परी, यहाँ सब कुछ प्यारा है। सही में सब कुछ प्यारा है यहाँ तो। सारे जल्दी बताओ कौन कौन पॉज करके देख रहा था, उनको जल्दी बता दो जल्दी कमेंट में। लॉर्ड काज़ाकागे, मैंने प्लान के मुताबिक हमारे तीनों शिनोबी को फाइनल राउंड में भेज दिया है। दांव पर लगी है। इसी के ऊपर नहीं गया नीचे। नहीं, अब वो सुंदर लड़कियां यहाँ इस जगह पर नहीं आ पाएंगे। डांस करने लग गए ये सब। बस पकड़ ले, पकड़ ले। मैं यहाँ से नहीं गिरूंगा, मैं जीतने ही वाला हूँ। पकड़ 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 पकड़। क्या बात है, इतना थकने के बाद भी वो लड़का अपने चक्र को इस्तेमाल कर पा रहा है। सही में क्लोन जूस यूज कर लिया उसने इतनी जल्दी। इसको पकड़ो पकड़ो। ये भाई चेन बना दी पूरी एक दूसरे को पकड़ पकड़ के। ये ले भाई, नरूटो में बहुत ज्यादा दिमाग है भाई। और ये नरूटो बच गया वापस से। इतने आसानी से नहीं हारता है। अब ये कैसा लगा चीफ टोड? उसमें अब भी इतनी ज्यादा एनर्जी है भाई। अरे अरे डांस देख ले इसका। गया, थक गया। नहीं, इस ऊंचाई से गिरा तो नहीं बचेगा। ओ, बहुत ऊंचा है वैसे मेंढक। इसको बचा लेगा मेंढक, मेरे को पता था। वो जीप से बचाया है। तुम्हारी जीत पक्की थी जिद्दी लड़के, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। ओ, उसको बेहोश कर दिया भाई, उसने बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया वो पूरा। क्या मुसीबत है। ओ, नरूटो उठ गया, नरूटो उठ गया। तो आ गया तुम्हें होश? हाँ, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है? तुम हॉस्पिटल में हो, इनके मुताबिक तुम 3 दिन से बेहोश पड़े थे। 3 दिन से? 3 दिन से? क्या 3 दिन हो गए? हाँ, 3, 3.5। शिकमारू, फाइनल कंपटीशन कब शुरू होगा बताओ? वो कल से होगा। जूनियर एग्जाम कल से शुरू है। वो क्या? इतनी देर से यहाँ पर बैठे हो, मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं यहाँ पड़े पड़े आराम नहीं कर सकता हूँ, मुझे तैयारी करनी है। और वो छिछोरा बाबा कहाँ है वो? हाँ, उस छिछोरे को मेरी ट्रेनिंग सुपरवाइज करनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम किस बाबा की बात कर रहे हो? मेरे कपड़े कहाँ है, मुझे तैयार होना है। कहाँ चले गए, कहाँ है मेरे कपड़े? हॉस्पिटल वालों चिल्ला चिल्ला कर इसने सर में दर्द कर दिया, ये होश में आया ही क्यों? कोमा में ही ठीक था। चपड़ गंजू चुप। नरूटो सुनो, ये रोने धोने से कॉम्पिटिशन का दिन चेंज नहीं हो जाएगा। मुँह बंद करो और चुपचाप आराम करो। तुम तो सच में चुप हो गए, कुछ गड़बड़ है क्या? भूख लगी है। बस इतनी सी बात, मैंने सोचा कहीं तुम बुरा तो नहीं मान गए। ओ, ये तुम्हारे लिए। उसको ओ, काफी फल। वैसे तो मैं ये जोजी के लिए चुन चुन कर लाया था, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि वो नहीं खा सकता। मेहनत बर्बाद हो गई। जोजी को क्या हो गया चाहोगे? जोजी मतलब वो भी इसी हॉस्पिटल में है? अरे इसमें कोई नई बात नहीं है, ज्यादा खा लिया इसलिए बदहजमी हो गई है। हिसाब खाएगा तो और क्या होगा। बहुत ज्यादा खाता है। वो तो अच्छा है मैं हूँ, नहीं तो तुम दोनों से कोई मिलने भी नहीं आता। ये लो। ओह वाओ, ये तो बड़ा ही टेस्टी लग रहा है। क्या अब क्या हो गया? चलो ये सब चोजी के सामने जाकर खाते हैं उसे चिढ़ाने के लिए। तुम बाज नहीं आओगे चोजी को चिढ़ाने के लिए। आराम भाई, नारुतो भाई एक नंबर है नारुतो। सब लोग कहाँ चले गए? पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है यार, पता नहीं किस वजह से। लंच करने गए क्या? नहीं यार, इतना भी खाली नहीं होता हॉस्पिटल। इसके पीछे गारा आ गया, गारा। छुप गया। वो कुछ तो बड़ा कांड करने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई साहब। सकूरा तो जा रही है उसको फ्लावर देके। याद आया,
और नहीं इसको कुछ याद आ गया और कारा अंदर, कारा आ चुका है अंदर। सकुरा बचा लेगी या सकुरा देख लेगी इसको मारते हुए? भाई इसका दिमाग थोड़ा पागल, जानवर बन रहा है भाई, मेरे को लग रहा है शैतान। क्या हूँ मैं? शैतान है, शैतान मतलब डीमन, जानवर। करने क्या आया यहाँ पर? मैं तो वो देखने के लिए रहा। ओ, इसको रेत से ढक रहा है ये, मेरे को लग रहा है मारने आया है भाई, पक्का से मारने आया है, मार देगा इसको। ये क्या, मैं हिल नहीं पा रहा। तो क्या हो गया? तुम अभी इसके साथ करने क्या जा रहे हो, जवाब दो। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? जब मैं शैडो पोजेशन जूत्सु यूज कर रहा हूँ और उस वक्त तुम उसे मारोगे तो मुझे भी लगेगी, समझे? ओ माफ करना शिकामारू। ये आ गया, इन्होंने बचा लिया उसको नारुतो ने। तो जवाब दो, तुम अभी क्या करने जा रहे थे, बताते हो या मैं तुम्हें एक पंच लगाऊं? बता साली, क्या करने आया था? इसका काम तमाम। क्या? इसको मारने आया था, मैंने कहा था ना। कैसे है? मेरा बस इसे खत्म करने का मन किया इसलिए चला आया। तुम्हारे बारे में मेरी राय सही थी, तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ, तुझे क्या लगता है हम खड़े खड़े तमाशा देखेंगे और तुझ जैसा अपनी मनमानी कर लेगा? जैसा अपना मनमानी कर लेगा ये बंदा, बहुत अजीब है। नहीं, हम लोग इससे बच भी पाएंगे या नहीं? ये भी है। अगर मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ऐसा क्या? तुम है तो हाथ लगा कर दिखा। बात बात पे चिल्लाने के लोग जाते हो। नारुतो नहीं डरता भाई। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो खत्म कर दूंगा। फिर भी तो नारा वो डरता फेल हो गया। और मैं फिर कह रहा हूँ, दम है तो हाथ लगा कर दिखा। फिर शुरू हो गए, अपनी टांग मत अड़ाओ। नारुतो नहीं डरता, जब ये लड़ता है तो उसका दिमाग फिर जाता है जैसे ये कोई डीमन हो। इसे डीमन की एक्टिंग करके लड़ना है तो लड़ता रहे, पर ये नहीं जानता मेरे अंदर तो एक असली डीमन है। नाइनटेल फॉक्स के बारे में बोला उसने। मुझे सबसे ताकतवर शिनोबी बनाने के लिए मेरे पिता ने मेरे पैदा होने से पहले मुझे सैंड स्पिरिट डीमन के पावर्स दिए। मैंने अपनी जननी को जन्म होते ही मिटा दिया। मैं पैदा ही डीमन हुआ। इसमें एक सैंड स्पिरिट है, उसका नाम है शिकाकू और वो सैंड विलेज के एक बूढ़े प्रीस्ट की स्पिरिट है जिसे टी जार में कैद कर दिया गया था। हाँ, ये जुत्सु बुरा तो है लेकिन इसे एक बच्चे पर यूज करना, वो भी पैदा होने से पहले, ये तो बहुत ही वाहियात है। मुझे नहीं लगता मैं इसे हरा पाऊंगा। वो नारुतो डर गया उससे। हे, पीछे क्यों हट रहे हो, अब क्या हो गया? वाय वाय वाय। ओह, ये अब फ्री हो गया। मेरे शैडो पोजेशन जुत्सु के होते हुए ये ऐसा कैसे कर पा रहा है? पता नहीं वो क्या करेगा। मार ना दे भाई लोग। नारुतो, हे, होश में आओ। अरे यार क्या मुसीबत है। भाई डर गया वो बहुत ज्यादा, मेरे को उससे उम्मीद नहीं थी नारुतो डर जाएगा इतना ज्यादा बुरी तरीके। ठीक है, बस बहुत हुआ। कौन आ गया? ओ, तुम लोग ये सब कल करना जब फाइनल कंपटीशन शुरू होगा। जा रहा है अब आराम से। पागल हो गया साला, पूरा दिमाग से क्रैक हो गया ये। आज तो तुम बच गए लेकिन देखते जाओ, शायद दोबारा तुम्हारी किस्मत साथ ना दे। अयामे? हाँ? एंजॉय करो। ओह, इतना सारा खाना। मिस्टर शेफ। अरे खा लो उसे, तुम्हारा फाइनल कंपटीशन कल है ना? क्या बात है, थैंक्स गाइस। इसको फ्री में खाना मिल गया, वो भी मस्त वाला खाना। और यहाँ पर नारुतो सोया हुआ है आराम से। नहीं, सोया नहीं है, इसको नींद नहीं आ रही है, काफी ज्यादा टेंशन में है, मे बी जूनियर एग्जाम्स को लेके।
समन कर सकता हूँ, अब तो सब ठीक हो जाएगा। फिर भी डर रहा है, मतलब डर गया है। पर वो सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं। गारा, नेजी, भाई साहब स्ट्रॉन्ग तो है, कहना तो पड़ेगा। अब उससे नरूटो कैसे निपटता है वो तुमको आगे ही देखने को पता चलेगा। ये ओ हिनाता, हिनाता क्या कर रही है यहाँ पर? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा तो आज फाइनल कंपटीशन है, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं, कोई खास वजह नहीं, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। कोई बात नहीं, सॉरी। इसकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है यार, बहुत ज्यादा अच्छी है। नेजी, असल में तुम्हारा कजिन है ना? तो क्या वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, पर मेरा मतलब है तुम अब भी उससे जीत सकते हो नारुतो। हाँ, मैं भी तो उसके जैसा स्ट्रॉन्ग हूँ। बहुत ज्यादा वो है, नारुतो भी हो रखा है। मुझे पता है तुम जीत सकते हो नारुतो। याद है जब तुमने हौसला बढ़ाया था तब मुझे लगा जैसे मैं पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग बन गई। बाकियों को लगे कि मैं बिल्कुल नहीं बदली, अब मैं पहले जैसी हूँ, अब मैं काफी बदल गई हूँ, पहले से स्ट्रांग बन गई। मेरे को इसकी आवाज सुन के मतलब अजीब ही है, मतलब अपने आप ही निकलता है अंदर से इसकी आवाज में बोलने का। हिनाता, क्या तुम्हें सच में ऐसा ही लगता है? मुझे लगता है तुम्हारे अंदर वो पावर है। नारुतो से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वो, और नारुतो को प्यार करती है तो फिर तो बोलना ही पड़ेगा ना, एंड शर्मा भी रही है बोलते बोलते। चलो इस बार नारुतो को कुछ मोटिवेशन मिली, थोड़ी सी पावर। लोग मुझे अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर इस बार मैंने खुद पे कुछ ज्यादा ही लोड ले लिया था। मैं खुद पे ही डाउट करने लगा जबकि मैं ऐसा कभी नहीं करता, पर अब मैं एकदम ही ठीक हूँ। ये सुनकर अच्छा लगा। ऑल राइट, अब मैं चलता हूँ। ओके बाय। हिनाता, मुझे ऐसा लगता था कि तुम डरपोक बुद्धू लल्लू और एक नंबर की अजीब गरीब लड़की हो। इतनी बेइज्जती कौन करता है यार? पर सच कहूं तो तुम्हारे जैसे लोग मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। वो उसी में खुश हो जाएगी अब कि हाँ, नारुतो ने उसको ऐसा बोला। और हाँ, जब मैं फाइनल कंपटीशन में नेजी की धुलाई करूं तो तुम वो देखने के लिए जरूर आना। ओके, ये क्या हो रहा है? बम फूट रहे, बम। ओह नो, मुझे अभी आने का हो गया। जल्दी, अरे यार मैं तो लेट हो जाऊंगा। बाद में मिलते हैं हिनाता। हे हिनाता, सॉरी मुझे सही लगती है वैसे हिनाता भी। हां चलो, वैसे शिनो का मैच तो बाद में ही होने वाला है। हां हे, अब तुम्हें क्या हो गया? नारुतो के उसमें खोई हुई है बातों में अभी तक। क्या क्या हुआ? कोना हामरू, ये क्या कर रहा है? और लेट हो जाएगा। चाहिए तो मदद उसे मिलेगी। कोना हामरू, तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? तुम सब समझ जाओगे। मेरे पीछे आओ, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। मुझे अरीना तक पहुंचाने का एक बढ़िया शॉर्टकट पता है। वो कैसे शॉर्टकट ले जा रहा है? कहते हैं जो शॉर्टकट जानते हैं वो टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में तो बिल्कुल नहीं आया, पर हाँ सुनकर अच्छा लगा कोना हामरू। जहाँ तक मुझे याद है यहाँ दीवार में एक छेद हो रहा था। बंद हो गया वो छेद। क्या हुआ? हमारा शॉर्टकट अब पहले से थोड़ा लॉन्ग हो गया। तो फिर मैं चलता हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। रुको नारुतो, एक और शॉर्टकट है। नाले का गटर खोल दिया। हाँ,
सीधा अरीना पहुंच जाओगे। मैंने कहा था ना ये असली शॉर्टकट है। सीधा वही पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं। गटर में गिर गया, कहीं और पहुंच जाएंगे गारंटी के साथ, देखना। रुको, मेरी बात तो सुनो, ये मेरी गलती नहीं है, हमने गलत टर्न ले लिया। इसको पहले का हमने क्या किया, कौन हमारा और हम उस पेड़ से क्यों निकले? हाँ, और अब तो हम अरीना से और भी दूर आ गए हैं। करते फिर होने वाली है नारुतो, अगर तुमने इस पर पूरी तरह यकीन किया तो पर बैठ गया एकदम शान से, लेकिन इसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है भाई। आगे बढ़ो ले। अब इसकी गांड पे स्विंग हो जाएगा, देख। ओ सही में मारने वाला है वो। नहीं बे नारुतो, अब कहां जाएगा, फटी में भागनी पड़ेगी इसे तो, इसे अब पूरी जान से भागना पड़ेगा। ओ इसको ये लाल लाल दिख रहा है। इसने फंसा दिया उसको। अरे अरे मुझे छोड़ दो, अरे बस करो प्लीज। और भी पड़ जाएंगे पीछे इसके। नहीं यार नहीं, इतनी बच्चे थी भाई नारुतो की, सारे पड़ गए। भाई साहब नारुतो भाई हमेशा मुसीबत में फंसता है हमेशा। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। एक मिनट, आइडिया, शैडो क्लोन जुत्सु। ओ ये बस ये यूज कर रहा है। सब जानवरों को मुझसे दूर ले जाओ। ये तो नारुतो है। अब सब आपके हाथ में है। नहीं नहीं नहीं। ये अपने से ही फंस गया, ये देगा देगा। पहुंच गया अंदर ये। बेइज्जती करवा रहा है इससे सी घोच। भाई घोच बोल रहा है उसको। नारुतो हाँ, पर इसने यहाँ आने में काफी देर कर दी। ओ स्टेडियम खचाखच पर भरा हुआ है और यहाँ पर जूनियर एग्जाम स्टार्ट होते हुए। तुम सब इस फाइनल कंपटीशन के हीरोज हो। भाई साहब बहुत ज्यादा तगड़े एपिसोड गए ये वाले। एक तरफ मेंढक को जो क्या नाम है नारुतो ने बहुत अच्छा मतलब मास्टर बनने की कोशिश करी, बट उसने मनने नहीं दिया। मेंढक का राजा था, बहुत ज्यादा बड़ा था, काफी अच्छा चीज थी वो, मतलब देखने में मजा आया। एंड उसके बाद जो है नारुतो काफी ज्यादा गारा से डर भी गया था, ट्रॉमेटाइज हो गया था उसका कंपटीशन के लिए, कब उससे लड़ेगा। एंड इसमें जो है नेजी से लड़ने वाला है तो भी काफी ज्यादा घबराया था। एंड अभी जो काफी ज्यादा फन भी एपिसोड था इसमें, लेकिन अब हमको देखने को मिलेगी फाइनल फाइट इन लोगों के बीच में, कैसे नारुतो जीतेगा या हारेगा वो तो आगे पता चलेगा। एंड आपको भी पता करना है तो बस कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्री है। एंड आगे जो है वीडियो डालूंगा उसको शेयर करना, लाइक करना एंड सपोर्ट करना। सपोर्ट कर रहे हो तो थैंक यू सो मच। एंड प्लीज से करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने एनिमे लवर दोस्तों के साथ अगर उनको कर सकते हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।